हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। फेस्टिवल सीजन है और इसमें हर कोई चाहता है कि उसकी में एक्स्ट्रा ग्लो रहे, चमक रहे, और पार्लर वगैरह में भी इस समय काम बढ़ जाता है, लोग फेशियल वगैरह कराने जाते हैं। तो अगर आप पार्लर में जाकर फेशियल करा रहे हो, तब तो पार्लर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन के लिए कौन सा फेशियल बेनिफिट है। लेकिन अगर आप पार्लर में नहीं करा रहे हो और आप घर पे कर रहे हो, तो आप घर पर भी फेशियल कर सकते हो। छोटी छोटी किटें आती हैं मार्केट में, आप उनको ला करके घर में फेशियल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पार्लर है और आप पार्लर चलाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्किन पे किस तरह का फेशियल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट्स आता है वो आप ही से पूछेगा कि मैम आप ही बता दो, सजेस्ट कर दो कि मेरी स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा। तो आपका अगर पार्लर है तो आपको ही जवाब देना होगा कि भाई आप इस तरह से फेशियल करा सकते हो। तो मैं आज आपको सारा बता दे रही हूँ कि आप अलग अलग टाइप की स्किन के लिए कौन कौन सा फेशियल करो। तो मैंने आज छोटी छोटी किटें रखी हैं, उसी से आपको बता दूंगी कि आप कौन सा फेशियल किस तरह की स्किन के लिए करो। सबसे पहले मैं आपको लोटस के बारे में बताऊंगी, लोटस के कौन कौन से फेशियल हैं और किस टाइप की स्किन के लिए जाएंगे। अगर आपका पार्लर है तो आप इससे बड़े किट भी ले सकते हो, और अगर आपका न्यू पार्लर है तो आप इस तरह से छोटी किटें भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने नया पार्लर खोला है तो आप इस तरह से छोटी छोटी किटें लेकर ही आप अपना काम शुरू करो। बड़ी किट ले लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी किट है हो सकता ख़राब हो जाए। तो आप इस तरह से छोटी छोटी लो, फिर कोई क्लाइंट्स आए तो फिर आप इस तरह से मंगा सकते हो। और लेकिन अगर आपका पार्लर नहीं है और आप फेशियल कराना चाहते हो, तब भी आप इस तरह से किट लेकर ले सकते हो मार्केट से, या मैं आपको इनका लिंक दे दूंगी, तो आप इस तरह से किट ले सकते हो और आप घर पर भी फेशियल कर सकते हो। तो क्लाइंट्स तो हमेशा आके यही कहता है कि भाई ऐसा आप फेशियल कर दो जिससे मेरी स्किन पे ग्लो भी रहे और स्किन में चमक रहे। तो आपको उन्हीं के हिसाब से फेशियल करना होगा। तो अगर किसी की नॉर्मल स्किन है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप कोई भी उनका फेशियल कर सकते हो या आप किट ले सकते हो। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आपकी स्किन डल डल सी है, तो आप ये लोटस का फेशियल ले सकते हो। लोटस का वाइट ग्लो फेशियल है, ये हर टाइप की स्किन के लिए जाएगा। अगर आप स्किन में ग्लो के साथ वाइटनिंग भी चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। लोटस की वाइटनिंग ग्लो फेशियल किट काफ़ी अच्छी है गाइस। और साथ ही आप बायोटिक की ले सकते हो, बायोटिक की ये डायमंड फेशियल किट है, ये आप ले सकते हो, ये इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और ये आपको इंस्टा ब्राइट के साथ रिंकल्स को भी रिमूव करेगी, स्किन की वाइटनिंग के साथ ही आपके रिंकल्स को भी रिमूव करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी किट है ये वाली। और लोटस की भी ये रेडियंस डायमंड फेशियल किट है, ये छोटी है। और इस सब में आपको पूरा मेथड मिल जाएगा लिखा हुआ कि आपको किस तरह से करनी है। इसमें आपको पाउच मिलते हैं और इस तरह से पाउच से आप दो बार आसानी से फेशियल कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार इसमें से कर लिया है और एक बार और हो जाएगा। इसके साथ ही ये लोटस की नेचुरल ग्लो किट है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इससे फेयरनेस भी आती है, ग्लो भी आएगा और नेचुरल है, तो काफ़ी अच्छी है किट। और ये मैं दिखा रही हूँ बायोटिक की सिल्वर किट है, ये भी काफ़ी अच्छी है। ये अगर आप अपने कलर को फेयर करना चाहते हो, ग्लो चाहते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है और कलर भी फेयर करना चाहते हो, ग्लो भी चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छी है बायोटिक की सिल्वर फेशियल किट। इसके बाद अगर आपकी फेस पे काफ़ी सारी झाइयाँ हो गई हैं, तब आप ये VLCC की पपाया किट ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी है गाइस। ये पपाया किट है और ये स्किन से जो आपके पिगमेंटेशन वगैरह के निशान होते हैं ना, झाइयाँ के लिए है ये पपाया किट। हमेशा मैं कहती हूँ अगर आपके फेस पे झाइयाँ हो रही हैं तो आपके लिए पपाया किट काफ़ी बेस्ट है, तो आप ये ले सकते हो। और अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ये हल्दी चंदन किट है, ये भी VLCC की है, ये भी काफ़ी अच्छी। अगर पिंपल्स हैं स्किन में तो आप ये भी ले सकते हो, और प्लस आप ये बायोटिक की सिल्वर किट ले सकते हो, और आप लोटस की वाइटनिंग किट भी ले सकते हो अगर आपके पिंपल्स हैं तो। और अगर आपकी स्किन में काफ़ी सारी टैनिंग हुई है तो आप ये लोटस की टैनिंग किट ले सकते हो, ये टैनिंग के साथ साथ आपको वाइट ग्लो भी देगी। और इसके साथ ही एक ये मैं आपको एवर यूथ की दिखा रही हूँ, एवर यूथ की भी टैनिंग के साथ साथ टैनिंग तो रिमूव करेगी, साथ ही वाइटनिंग ग्लो भी देगी। तो ये दोनों किटें काफ़ी अच्छी हैं, टैनिंग के साथ ही आपकी जो है वाइटनिंग ग्लो भी देंगी।
तो एक ये मैंने एवरयुथ की दिखाई और दूसरी मैंने आपको लोटस की दिखाई। इन सब के जितनी भी मैं किट दिखा रही हूँ इन सब का लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कलर काफ़ी फेयर है और आपको एक्स्ट्रा ग्लो की ज़रूरत है तो आप ये लोटस का गोल्ड फेशियल करा सकते हो गाइस। तो गोल्ड फेशियल अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आप गोल्ड फेशियल करा सकते हो, लेकिन अगर आपका कलर काफ़ी फेयर है तभी आप गोल्ड फेशियल कराओ। तो गोल्ड फेशियल मैं आपको आज एक ये बता रही हूँ लोटस का, और दूसरा ये मेरे पास क्योरा का है, तो ये भी काफ़ी अच्छी, इसमें आपको काफ़ी सारे ये मिल जाएंगी। इस तरह से छोटी छोटी डिब्बियाँ होंगी और इसमें 5 हैं। तो क्लिंजिंग है, स्टेप बाय स्टेप इसमें सब लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 करके स्टेप दिए होंगे, स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है। तो मैंने आपको इतनी सारी किटें दिखाई हैं। अगर आप घर पर भी फेशियल करना चाहते हो तो आप इस तरह से किट ला करके आप घर पे कर सकते हो बहुत आसानी से। आप क्योंकि इसमें जो पाउच होते हैं ना इसमें सब लिखा रहता है कि आखा हुआ कि किस तरह से आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस तरह से किट ला करके घर पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पार्लर है तो आप इस तरह से हर स्किन के हिसाब से आप फेशियल कर सकते हो। तो जितनी भी मैंने किटें दिखाई इन सब का परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप मुझको फेसबुक पे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा। मेरा फेसबुक पेज है सीमा जेटली के नाम से और इंस्टा पे भी मैं सीमा जेटली के नाम से हूँ। वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।